स्विट्जरलैंड जाएंगे, अभी तो सुबह उठे हैं, मुंह धोया, खाना वाना खाया, चल दिए। हम लोग अराउंड 11 बजे निकले थे और हम लोग स्विट्जरलैंड में 2 बजे पहुंच गए हैं। Guys, this is episode 2 of my travel series in Switzerland. जिसमें जिसका नाम है, अभी तो आपको पता चल ही गया होगा, दिस इज इन स्विट्जरलैंड, जहाँ पर हम लोग सारी प्लेसेस देखेंगे और आपको बजट में बताएंगे कि आप स्विट्जरलैंड में कैसे बजट में घूम सकते हो। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्विट्जरलैंड की ट्रिप। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं। तो हम लोग जर्मनी टू स्विट्जरलैंड बाय रोड जा रहे हैं विद कार, तो आप लोगों को जर्नी के सारे मज़े देते रहेंगे। स्विट्जरलैंड लाइक जर्मनी टू स्विट्जरलैंड कैसे पहुँच जाएंगे हम कार से, वो भी सारी हाइलाइट्स आपको देते रहेंगे, प्लस हमारी मस्ती तो हम करेंगे। जय श्री राम। Let's start the trip. Now turn left and then turn right. So guys, अभी हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने खड़े हुए हैं। तो हमने खाने पीने का सारा सामान गाड़ी में रख दिया हुआ है, अपना जो फ्यूल टैंक है वो फुल करवा रहे हैं, और बाकी जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस स्विट्जरलैंड ट्रिप में या यूरोप ट्रिप में, तो आप ये सीरीज़ पूरी देखो। और ये हमारा ब्लॉग नंबर 1 है इस सीरीज़ का, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं इसमें। It's all set to go and yeah, petrol डलवा लिया है हमने around 29 euros का यहाँ पर petrol का। So अब हम लोग निकल रहे हैं, दीपक payment करने गया है, वो आ रहा है और हम निकल रहे हैं। How excited you are इस trip के लिए, नीचे comment करो। Switzerland में fine इतना ज़्यादा है ना, और वहाँ पे speed limit भी है। जर्मनी में तो ऑटोबान्स पे कोई लिमिट नहीं है, तो आदत है तेज भगाने की लोगों को। हाँ। तो कितना फाइन आया फिर उसे? तो एक फ्रेंड है, वो संतोष, वो बता रहा था कि उसका फ्रेंड था कोई, जबकि वो स्टूडेंट था उस टाइम पर। तो ये स्विट्जरलैंड में क्या है ना, आपका प्रोफेशन मतलब जॉब सैलरी देख के आपको फाइन भेजते हैं। जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा फाइन। हाँ, ये तो मुझे पता। उसकी, उसने ओवर स्पीडिंग की थी, उसको फाइन आया था एज ए स्टूडेंट 1800 यूरो। 1800 यूरो मतलब समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास। 1800 स्टूडेंट था, इसलिए सोचो अगर जॉब कर रहा होता तो पता नहीं कितना आता उसको। तो भाई तुम संभाल के करना है। और क्या, स्विट्जरलैंड में अपन गाड़ी चलाएंगे नहीं, चुपचाप पार्किंग में रखेंगे। तो हमें एक्साइटमेंट तो था, पर हम लोगों को डर भी हो गया था कि ऐसा ना हो हमें भी इतना ज़्यादा फाइन आ जाए। तो आप लोग भी स्पीड पर ज़रूर ध्यान रखना अगर स्विट्जरलैंड में कार ड्राइव करो तो। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मतलब इस टाइम पे कोरोना टाइम पे क्यों जा रहे हैं, और तो ट्रैवल जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, बॉर्डर्स 15 जून से ओपन हो गई हैं, और मतलब हाँ थोड़ा तो रिस्क है ना। प्रॉब्ली अभी तो खैर जाम जा रहा है वहाँ पे, तो केसेस है ही नहीं वहाँ केसेस, पर थोड़ा तो रिस्क है, पर ठीक है 3-4 घंटे की ड्राइव है और पहुँच जाएंगे। और बहुत टाइम से इंटरलाकिन जाना था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मैंने बता दिया तो काट देना। बहुत टाइम से हमें इस पर्टिकुलर जगह जाना था, बट नहीं जा पा रहे थे, पर अब
बोलो जो जो जय भोलेनाथ। स्टार्ट हो रहा है, अब हम लोग विदाउट स्पीड लिमिट गाड़ी चलाने वाले हैं। आशिकी मैं तेरी जाएगी मेरी। तो गाइज ये अब हमारा फर्स्ट स्टॉप है जो हम उतर रहे हैं और कुछ खाएंगे, पीछे से पानी की बॉटल निकालेंगे और फिर से वापस जाएंगे। इस तरीके के बीच बीच में हाईवे पे बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉशरूम होता है प्लस खड़े होने की जगह, तो अगर ड्राइवर को रेस्ट लेना होता है या जो भी ड्राइव करता है उसे रेस्ट लेना होता है तो वो यहाँ पर। दिस इज फर्स्ट स्टॉप। ओके, देखो दीपक के वो ऐश ब्रेक लेती हुई है लड़की। तो इट्स टाइम टू गो वॉशरूम। पराठे लो, पराठे 2 यूरो में। This is how we manage trip. बहुत मजा आता है और अपने पसंद का खाना भी खाते रहो। पराठा रोल। तो सबसे पहला टाउन जो हम लोग स्विट्जरलैंड में जाने वाले हैं या थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं वो है शाफेनहाउजन, जो कि स्विस टाउन है। उसकी भी बहुत सारी गोथे हिस्ट्री वगैरह है उससे रिलेटेड, बट हम वहीं से निकल के जाएंगे। हमें सबसे पहले टॉल लेना पड़ेगा, राइट, हमें रुकना पड़ेगा वहाँ पर, तो हम पहले टॉल लेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे जस्ट अबाउट टू रीच, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिखने लगे हैं। और जैसे जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड की तरफ पहुंच रहे थे, हम लोगों को टनल पे टनल पे टनल जो है रोड पे आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। हाँ, ये सारी गाड़ी स्विट्जरलैंड की, अब उनको वहां से जाना है टॉल लेके।
सो बॉर्डर ऑलमोस्ट चालू होने वाला है, तो उससे पहले हम लोगों को टॉल लेना है। टॉल के लिए यहाँ पर ऑफिस है जो कि हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है, उसके बाद टॉल लेंगे, वो उस पर चिपकाएंगे और उसके बाद हम लोग स्विट्जरलैंड में एंटर करेंगे और आप लोगों को सुंदर सुंदर चीजें जो है वो दिखाएंगे। कितने का है? 40 यूरो अप्रोक्सीमेट, 3000 रुपए का एक साल के लिए। ये है 40 यूरो का, मतलब 3200 के आसपास, और इसकी जो वैलिडिटी है वो एक साल की रहती है, लेकिन जनवरी से दिसंबर, मतलब अगर आप नवंबर में खरीदोगे तो भी दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो हमने कब खरीदा, अभी है हमारे पास, पर हमने ना गलती से यहाँ गाड़ी लगा दी जबकि हमें वहाँ से जाना था, बट कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि हम फिर से ये लेन ले सकते हैं, तो अब ये दिसंबर तक वैलिड है जो कि आपको हमने बताया ही। तो सबसे पहला खर्चा हमारा पेट्रोल के बाद यही हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अब जो करेंसी है वो चेंज हो गई है, CHF। गाइज हम लोग स्विट्जरलैंड घुस चुके हैं, और हाँ ये हम लोगों का और कुछ भी चेक नहीं किया बॉर्डर पे, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं, रैंडमली कुछ लोगों को चेक कर रहे हैं, कुछ लोगों को कर रहे हैं, हाँ तो ये बस स्टिकर देखा, वो भी पुलिस वाला खड़ा था, वो सिर्फ नजर कर रहा था, ऐसे कुछ रोका नहीं हम लोगों को कि रोक के कुछ चेक कर रहे हैं। सो ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्या। दीपक बी केयरफुल अब स्विट्जरलैंड में, नहीं तो तुम्हारे से 2000 यूरो का चूना लग जाए। नहीं 2000 क्या, कल को अगर 5000 यूरो का आ गया तो क्या करेंगे, तो बी केयरफुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी अगर स्विट्जरलैंड में ड्राइव कर रहे हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक रूल्स पता होने चाहिए, एक भी रूल्स नहीं। स्पीड लिमिट, तो स्वागत है आप लोगों का स्विट्जरलैंड में, और अब हम लोग एक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस, हम लोग मतलब हम लोग भी और आप लोग भी बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए चलते हैं। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे जाने वाले हैं वो 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, पर मैं आपको रास्ते बताती रहूँगी बीच बीच के, जो कि बहुत सुंदर होंगे, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सुंदर होंगे। चलो ठीक है, देखते हैं, होपफुली हम लोग कोई रूल ना तोड़े और हम लोग सब कुछ सही साथ चला पाएं। जैसा कि दीपक ने बोला, इंडिया लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस है, अगर आप ट्रैवल करने यहाँ पर आ रहे हो तो आप गाड़ी यहाँ पर चला सकते हो, बट देन गूगल पे सब कुछ देख के, सब कुछ टाइप करके, प्लस ये जो ऐप है, ऐप का नाम क्या है दीपक? एक ऐप है, वो मैं बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसमें स्पीड लिमिट्स बताते हैं सारी जगह की, तो अगर आप स्पीड लिमिट अपर है आपकी तो वो टैं 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 बोलने लगता है, तो हम लोग तो वही यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी वही यूज़ कर सकते हैं। तो तुम्हें चेंजेस लग रहा है ड्राइविंग में दीपक? स्पीड लिमिट इरिटेशन हो रही है। मैं तो उनकी सोच रहा हूँ जो बचपन से जर्मनी में रहते होंगे, उनको कितना गुस्सा आता होगा। खाली सड़क पड़ी है, आराम से फिर भी। एंड यहाँ पर लॉन्गेस्ट चैनल भी है। मजा आ रहा है गाइस, हमें तो बहुत आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? अभी मुझे तो आएगा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर। एंड बस कुछ ही किलोमीटर चले थे कि बहुत सुंदर सुंदर लग्जरियस कार के दर्शन हो गए, वो ऑरेंज वन आपको दिख ही रही होंगी, और ये एक्सपेंसिव कंट्री तो है ही है, साथ ही साथ इसमें बहुत रईस लोग भी रहते हैं, रोड से एकदम चकाचक थी और सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज था, तो यार घुसने के बाद तो हमें ऐसा लगा। क्योंकि हम सिर्फ
घंटे में यहाँ पर पहुंच गए थे, तो लग तो लोकल रहा था, लेकिन घुसने के बाद ऐसा लग रहा था कि दूसरी कंट्री में आ गए। बहुत गंदा था दीपक, ट्रैफिक हो रहा है तो हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, तो दीपक से मैं बोल रही थी कि हम लोग इस पर्टिकुलर 2 साल में कितनी कंट्री गए हैं, तो हम लोग काउंट कर रहे थे तो हम 7 कंट्री गए हैं। तो मैंने बोला दीपक से कि सिर्फ 7 कंट्री गए हैं हम 2 साल में, तो दीपक की बात सुनो, बोलो। उससे पहले मेरे तो 30 साल के उसमें एक भी कंट्री नहीं गया था, उस कंपैरिजन में तो अच्छा है। देखो पॉजिटिविटी देखो लड़के की कि 30 साल में एक भी कंट्री नहीं गए, लेकिन अब ये 2 साल में 7 कंट्री गए वो देखो। उससे पहले जापान, थाईलैंड, 8, 9, 10 टोटल। हाँ पर वही है ना, शुरू के 25 साल तो कहीं नहीं गए, कुछ भी नहीं देखा, तो उसके कंपैरिजन में तो रेशो अच्छा है। ऑलराइट। अरे यार बहुत ट्रैफिक हो रहा है ये सिटी, ज्यूरिख वाले रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। 5 ही बजे पहुंचेंगे आराम से। हमारा हॉल्ट नंबर 2 है और आप देखो पीछे स्विट्जरलैंड के पहाड़ जो है वो दिखने लगे हैं यहाँ से। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट राउंड। अभी यहाँ पर भी वॉशरूम है तो हम लोग ने वॉशरूम यूज़ किया, कुछ खाया क्योंकि तब से कुछ नहीं खाया था, एंड अब जाएंगे वापस। सी दिस इज व्यू जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। देखो गाइस ये बोट और बोट के आगे घर, ये लोग जाएंगे आई थिंक इंटरलाकन ही जा रहे होंगे और वहाँ पर रखेंगे मस्त, बोट से बोटिंग करेंगे और फिर अपने घर में रहेंगे इसी घर में, मस्त है ना। और मैं इनसे दोस्ती करने वाली हूँ, इनके पीछे पीछे जाऊँगी। इसमें हंसने की क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं पता है? फ्रांस से, नीदरलैंड से। ऐसे दिख रहा है क्या? हाँ नीदरलैंड का झंडा दिख रहा है, झंडा। तो ये कहाँ जा रहा है? तो ये कहीं दूर ही जा रहा है, पूरे ट्रिप पे निकले हैं लंबे। अच्छा आप लोगों को पता है क्या कि स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इस वजह से बाकी जितनी भी गाड़ियाँ और दूसरे कंट्री की हैं उसमें तो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग पीछे दिख रहा है, पर जितनी भी गाड़ी यहाँ की हैं उसमें उनके खुद का, एक तो ज्यूरिख नहीं सॉरी एक तो इनकी कंट्री स्विट्जरलैंड का फ्लैग है और साइड में स्टेट का फ्लैग है। Right. I'm always right. I'm your BB. It's time to sleep. It's time to get up. It's time to sleep. It's time to get up. What traffic ho raha hai yaar ye? Sab gadbad ho gaya. स्विट्जरलैंड है, इस तरफ नदी है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या देखें क्या वीडियो लें क्या आप लोगों को बताएं। तो जिस जगह हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं वहां हम पहुंच गए हैं और वाओ ये ब्लू लेक देख के हमें लगा, आई डोंट नो क्या बोलना है मुझे, पर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आपको बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और अगर इस ट्रिप को फॉलो करो तो देसीज इन स्विट्जरलैंड ज़रूर चेक करना, शेयर करो ताकि ये जो सीरीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।